सब्सक्राइब कीजिए टेक टॉक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वीडियो सबसे पहले हासिल करने के लिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम ये सीखेंगे कि अगर आप किसी काम में बिजी हैं और आपको कोई कॉल या मैसेज आती है तो आपका मोबाइल बगैर आपको डिस्टर्ब किए उसका रिप्लाई ऑटोमेटिकली किस तरह करे। यानी कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर ऑटो रिप्लायर ऐप की। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए क्योंकि मैं आज आपको यही सिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। डिस्क्रिप्शन के लिंक को फॉलो करते हुए एप्लीकेशन को आप डाउनलोड और इंस्टॉल कर लीजिए। मैंने इसको डाउनलोड और इंस्टॉल किया हुआ है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। इस एप्लीकेशन का नाम है ऑटो रिप्लाई फ्ली। इसका यूज़र इंटरफेस कुछ इस तरह का है। यहाँ पे ये बैकअप का पूछ रहा है, मैंने इसको स्किप कर दिया। आई डोंट नीड एनी बैकअप। उसके बाद नेक्स्ट, प्रीवियस, नेक्स्ट, 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 ये सारे इन्होंने हमें बता दिया कि किस तरह से हमें ये सेट करनी है। अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, वरना इतना कोई मुश्किल नहीं है, आप खुद भी ये कर सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ पे ऐड और एडिट के बटन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आने के बाद आपका मैसेज या कोई भी मैसेज आप लिख सकते हैं जो उस यूज़र को चला जाए। यहाँ पे ये ऑटो मैसेज लगा हुआ है, मैंने कुछ नहीं छेड़ा, ये यहाँ पर ठीक है। ये करने के बाद हम इसको सेट टाइम कर देते हैं, किस टाइम से किस दरमियान आप बिजी होंगे, आपको कोई भी कॉल या मैसेज आए तो उसको ये मैसेज चला जाए। अब यहाँ से हम इसका टाइम सेट कर देते हैं, जैसे मैंने इसको सेट कर दिया 2:30 से लेके 6:30 तक के लिए मैंने इसको सेट कर दिया, 3 घंटे के लिए। रन बाय टाइम के हिसाब से ही चलेगा। रन बाय डेट करेंगे तो ये डेट के हिसाब से चलेगा। यानी कि अगर आप आज ही के दिन करना चाहते हैं सिर्फ ये मैसेज, या अगर आपकी यूनिवर्सिटी टाइमिंग के अंदर ये आता है, या कोई भी टाइम हो आपके ऑफिस टाइमिंग के अंदर आए, तो आप इसको टाइम के हिसाब से करें, वरना अगर आप डेट के हिसाब से करना चाहते हैं तो डेट के हिसाब से, और वीक डेज के हिसाब से करना चाहें, जैसे संडे को ऑफ होता है आप बिजी नहीं होते तो उसके हिसाब से भी आप इसको सेट कर सकते हैं। मैंने इसको फ़िलहाल टाइम के हिसाब से सेट कर दिया है। सेट करने के बाद उसको हम सेव कर देंगे। अब यहाँ पे मैसेज हम इसने इसको ऑन कर दिया। यहाँ से परमिशन मांगेगा आपके कॉन्टैक्ट को एक्सेस करने की ताकि रिप्लाई कर सके। मैंने इसको एक्सेस कर दिया, इसको मैंने परमिशन दे दी है। परमिशन देने के बाद हम इसको इनेबल कर देते हैं। ये देखें, ये इनेबल हो गया। अब ये यहाँ पे 2:30 से लेके 6:30 तक अब मुझे कोई भी कॉल या मैसेज आएगा तो उसका ये रिप्लाई ऑटोमेटिकली कर देगा, मुझे बगैर बताए, मुझे बगैर परेशानी की। तो देखा दोस्तों, कितना आसान था ये। इस ऐप की मदद से आप किसी भी यूज़र को ऑटो रिप्लाई कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपका कोई सवाल या मशवरा हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोज़ ऐसी वीडियो लाता रहूँगा।